जी भैया नाम बताइए अपना। राजीव कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये आपके पास जो वीडियो है ये किस चीज की वीडियो और कहाँ की वीडियो है? ये बिनिमय छेद बिजनौर का जेई है, बिनिमय बिपिन गुप्ता। अच्छा, ये उनकी वीडियो है और उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि तुम्हें मैं लाइसेंस जो है तुम्हारा मैं बड़े उसका कर दूंगा जिससे तुम किसी भी नक्शे में मॉल लगा सकोगे। आपका क्या काम है? मेरा काम भैया नक्शे बनाने का काम है मेरा। अच्छा, मकानों के दुकानों के मकानों का नक्शे बनाने का काम है, लेकिन उसमें कुछ हमारा क्राइटेरिया देखा कि इतने कपड़े जैसे ऊपर हम नक्शे पर मोहर नहीं लगा सकते। अच्छा, तो इसने मेरे को लालच दिया कि कहा कि बोले मैं तुम्हें लाइसेंस तुम्हारा बड़ा कर दूंगा और मुझे 2 लाख रुपये दे दो। अच्छा, तो मैंने इसको 1.5 लाख रुपये दिए, ये इसने मेरे से 2 लाख मांगे तो मैंने इसको 1.5 लाख रुपये दिए। उसके बाद भी इसने मना करा मेरे से, तो मैंने इसको फिर 50,000 रुपये और देने के लिए हमें कहते, वो मैंने 50,000 भी इसको दे दिए, लेकिन ये फिर भी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं करा इसने अभी तक भी। और उसके बावजूद मुझे जो है धमकी देता कि तेरा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मेरी फाइलों में अड़ंगे लगाता, नक्शे पास करते हुए कहता कि तुम्हारे नक्शे बनाए हुए जो है वो खराब कर दूंगा, कैंसिल कराऊंगा और नक्शे तुम्हारे दूसरों से बनवाऊंगा, मेरे नक्शे पास करने में मुझे परेशान कर रहा है। पूरा नाम क्या है इनका? बीके गुप्ता, बिपिन गुप्ता। ये कहाँ पे बैठते हैं? बिजनौर में, कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में। अच्छा, तो आपने इनकी कंप्लेन नहीं करी कि आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं? पहले बात हुई थी, ये जब नगर पालिका की फाइलें पास होने के लिए बात हुई थी तो इधर नगर पालिका की फाइलें भी जमा नहीं करवाई, वो भी सब ऐसी पड़ी हुई है। अच्छा, तो अब जैसे इन्होंने आपसे रिश्वत ली है, 2 लाख रुपए लिए हैं, 2 लाख रुपए लिए, काम फिर भी नहीं करा आपका? काम फिर भी नहीं करा। तो इसके आपने आला अधिकारियों से कंप्लेन नहीं करी? बस आला अधिकारियों से मिलते हुए ये एसडीएम साहब से, नए एसडीएम साहब जो आए हैं उनसे डराया लगता है, और ये पहले वाले से कहता था कि मैं करा दूंगा काम को, करा दूंगा काम को, इसने कराया नहीं काम को। अब इन्होंने इससे इतना डरा रखा कि साहब मिलने के लिए भी जाते हुए कहता है बोले नहीं वो तो ये कर देंगे, वही कर देंगे, मैं अपना आप करा दूंगा काम को, टाइम ये कर दूंगा। और अब टाइम हो गया था, अब रिटायरमेंट नजदीक है इसका, उसके बावजूद जाने के फिराक में है और मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो एसडीएम साहब से मिलना चाहिए था आपको, आप क्यों नहीं मिले? विक्रमादित्य सिंह मलिक इस वक्त एसडीएम बिजनौर हैं। बस उनसे डर की वजह से, डर इतना ऐसा फैला रखी उनके नाम से कि बहुत ज्यादा। तो क्या उनके नाम पे पैसा वसूला? उनके नाम पे पैसा वसूलता है। तो आप क्या चाहते हैं फिलहाल? आप फिलहाल ही चाहता हूँ मेरे पैसे वापसी कराया जाए और इसके खिलाफ उचित कार्यवाही हो। जेई का विनिमय क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है पैसे लेते हुए, क्या इसमें शिकायत है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल शाम लगभग 6:30-7 बजे किसी ने ये हमारे संज्ञान में लाया कि ये वीडियो वायरल हुआ है, जेई विनिमय क्षेत्र श्री गुप्ता का अवैध धन लेते हुए। तो इसमें तुरंत पहले इनका स्पष्टीकरण मांगा गया और अपने स्पष्टीकरण में इन्होंने ये बताया गया कि ये वीडियो जो है, ये जो प्रकरण है, ये लगभग 2 साल पहले का है, अर्थात मेरे जॉइनिंग के पूर्व का ये प्रकरण है। और इसमें इन्होंने कहा गया कि जो भी तथ्य हैं ये अपना लिखित स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन इन्होंने साक्ष्य उपलब्ध कराया कि पिछले 2 साल से कैसे इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब दूसरी जो कंप्लेंट करने वाले हैं श्री वर्मा जी, जब उनसे बात करी गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इनका लाइसेंस जो है वो एक्सटेंड करने के लिए ये पैसे लिए गए थे, और ना पैसे भी ले लिए गए और काम भी नहीं किया। इस वीडियो को देखने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये करप्शन का केस है और इसमें पैसा लिया गया है। इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए मैंने अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन के लिए और कठोर कार्रवाई के लिए मैंने रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी है, और डीएम सर और मेरी तरफ से दोनों से एक क्लियर कट मैसेज है कि नो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, किसी भी तरीके से इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तुरंत ये रिपोर्ट डीएम सर के द्वारा भी शासन में भेजी जा रही है निलंबन और आवश्यक कार्रवाई के लिए। जो वर्मा जी हैं उनसे मैंने ये क्लियरली पूछा कि जब मैं ज्वाइन कर लिया था और मेरे पहले का ये प्रकरण है तो कम से कम अधिकारी चेंज हो गए थे, आपको मेरे को आके बताना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था। इन्होंने ये बताया कि इनको ये बताया गया था कि, या डराया गया था कि आप एसडीएम साहब के पास जाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें इसकी सत्यता की भी जांच की जाएगी और जब विभागीय कार्रवाई बैठेगी तो हमें विश्वास है कि सारे तथ्य संज्ञान में आएंगे और गहनता से जांच की जाएगी। कोई व्हाट्सएप चैट का मामला सामने आया निकल गया? व्हाट्सएप चैट मैंने जो मेरे को स्क्रीनशॉट जेई ने भेजा है वो मैसेज का है, उसमें पिछले 3-4 दिन से, बल्कि पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से मैसेजेस मैंने देखे
जिसमें क्लियरली लिखा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है जेई को भी कि आप ये मेरा लाइसेंस कर दीजिए, नहीं तो आपका एक्सपोज किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल। तो जेई का कहना है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन इन एनी केस अगर ये क्लियरली वीडियो में जैसा कि दिख रहा है कि पैसे लिए गए हैं, उनके द्वारा ड्रॉअर में रखे गए हैं, तो गलती जो है